महाभारत को महापुराण कहना कहीं न कहीं गलत होगा। महाभारत को तो हमारा पंचम वेद कहना चाहिए। यह कोई सोची समझी कहानी नहीं, बल्कि यह हमारे संसार का एक महान इतिहास है, जिसे एक महान ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत का युद्ध जिसे कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र जहां 18 अक्षौहिणी सेना आई और मात्र 18 दिनों में देखते ही देखते नष्ट हो गई। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था, और इस युद्ध में आखिर कुल कितने योद्धा लड़े और देखते ही देखते मौत के घाट उतर गए, यानी 18 अक्षौहिणी सेना में कुल कितने योद्धा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अतीत में चलते हैं और महाभारत को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और हम अतीत से चाहे जितना भी दूर भाग ले, लेकिन अतीत कभी न कभी हमारे सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल पर हम उन महान इतिहासों की चर्चा करते हैं जिसे आपको जानना चाहिए, और अगर आपकी भी इतिहास की प्रति रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी औरों की तरह इतिहास से जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों के सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इस संबंध में कई कहानियां प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाइयों भाइयों के, गुरु शिष्यों के और संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देख कहीं ये संधि ना कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से मार डाला और उसकी लाश के पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया, और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनके पास जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाएगा वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में ले लो। तब इंद्र ने कुरु के पास आकर कहा कि कोई भी पशु पंछी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तीसरी कहानी के अनुसार एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई। वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने के लिए कहा। अंधे माता पिता पैदल चलने लगे, पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बेटा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने माता पिता के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं, इसीलिए उस क्षेत्र से गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में किया गया था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, वो भी पाप मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं वह पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनर्जन्म नहीं लेते।
भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। अब आते हैं चौथी मान्यता पर, त्रेता और द्वापर युग की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। तदनंतर उनके प्रीतगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, तुम्हारी इस प्रीत भक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का नाश किया है इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे हुए क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। जब कलयुग और द्वापर युग की संधि का समय आया तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। युद्ध करने की इच्छा से यहाँ 18 अक्षौणी सेनाएं इकट्ठा हुई थी और देखते ही देखते नष्ट हो गई। अब सवाल यह उठता है कि अक्षौणी शब्द का अर्थ क्या होता है और एक अक्षौणी सेना में कितने योद्धा होते हैं। तो अब अक्षौणी का वर्णन सुनिए। एक रथ, एक हाथी, 5 सैनिक और 3 घोड़े, इन्हें सेना के विद्वान पति कहते हैं। पति की 3 गुनी संख्या को सेना मुख कहा जाता है। 3 सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म को एक गढ़ कहा जाता है। 3 गढ़ की एक वाहिनी होती है। 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रीतना कहा है। 3 प्रीतना की एक चमू होती है। 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। विद्वानों के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई गई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। पैदल सेना की संख्या 109,350 जाननी चाहिए और घोड़ों की संख्या 65,610 कही गई है। संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बतलाया है। अगर 18 अक्षौहिणी की बात की जाए तो कुल रथों की संख्या 3,93,660 और हाथियों की संख्या भी इतनी ही होगी। पैदल सेना की संख्या 19,68,300 होगी और घोड़ों की बात की जाए तो 11,80,980 होगी। और अब सबको जोड़ दिया जाए तो कुल योद्धाओं की संख्या 39,36,600 होती है। लेकिन यह संख्या भी अधूरा है क्योंकि रथ पर एक योद्धा और एक सारथी होता है। हाथी पर भी 2 व्यक्ति होते हैं, उसे भी इस संख्या में जोड़ दिया जाए तो यह संख्या और भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ योद्धाओं की बात हो रही है तो कुल संख्या 39,36,600 ही होगी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो जरा सोचिए, महाभारत के युद्ध में आखिर कितना नरसंहार हुआ था। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।